दोस्तों नमस्ते। हमने जब अब तक बात की थी शरीर को बाहर से साफ कैसे करें, लेकिन अब हम आ गए हैं शरीर के अंदर। शरीर को अंदर से साफ कैसे किया जाए उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहला और सबसे बेस्ट तरीका है फास्ट। फास्ट हम भूखे पेट अपने शरीर को साफ कर सकते हैं। वो कैसे करना है हमारे को, हफ्ते में एक बार आप व्रत जरूर रखें। और व्रत रखने से जो हमारे शरीर के अंदर प्रभाव पड़ता है, जब हम कुछ खाते नहीं हैं और हमारे पेट की अग्नि पुराना जो बचा हुआ होता है उसको फोर्स करके बाहर निकालती है, तो उससे हमारे अंदर की गंदगी साफ होती है। ये सबसे पहला तरीका है फास्ट रख के हम अपने शरीर को साफ कर सकते हैं। दूसरा तरीका है दोस्तों, वो है हमारा त्रिफला। हफ्ते में एक या दो बार त्रिफला लें, वो भी आप रात को गुनगुने पानी से ले सकते हैं। इसमें कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। चाहे आपको महसूस होता है कि मेरा पेट साफ है या साफ नहीं है, जो भी है आप हफ्ते में त्रिफला जरूर लें, जिससे कि आपके अंदर बची बची गंदगी ऑटोमेटिक साफ हो जाए। गुनगुने पानी से त्रिफला जरूर लें। तीसरा है हमारा ग्रीन टी। ग्रीन टी आप सुबह या शाम को लें, दो टाइम लें या एक टाइम लें, लेकिन लें जरूर, क्योंकि ग्रीन टी हमारे शरीर का मेटाबॉलिज्म बैलेंस रखती है और हमारे शरीर में फैट या फैट को लॉस करने का, बढ़ाने का या लॉस करने का दोनों काम करती है। इसीलिए हमें ग्रीन टी लेनी चाहिए और वह हमारे अंदर एक ऊर्जा बनाती है, तो उससे हमारे शरीर में बहुत फ़ायदा मिलता है। इसलिए ग्रीन टी हमको ज़रूर लेनी चाहिए। आप ग्रीन टी रेगुलर भी ले सकते हैं और आप हफ्ते में या दो या तीन बार ले सकते हैं। चौथा है हमारा चुकंदर का रस। चुकंदर का रस इतना बेस्ट है जिसकी कोई हद नहीं। चुकंदर के रस को आप अच्छे से बनाएं छील करके और उसके अंदर नींबू डालकर आप पिए। चुकंदर का रस आपके अंदर जमी जितनी गंदगी है ब्लड को साफ करता है, आपके चेहरे पे ग्लो लाता है, तो अंदर से ये पूरी तरीके से आपकी सफाई कर देता है। इसलिए चुकंदर का रस है बहुत बेस्ट आपकी सेहत के लिए और अंदरूनी सफाई करने के लिए। पांचवा है हमारा नारियल पानी। नारियल पानी तो बहुत ही बेस्ट है, क्योंकि नारियल पानी हमारे शरीर में 75% पानी होता है और उसी के अंदर यह नारियल पानी मिलकर हमारे मसल्स हो या हमारी स्किन हो या हमारी आँख हो या बाल हो, जो भी हो, उन सब को एकदम फ्रेश करके और अंदर से बॉडी को क्लीन करके हमारे शरीर को बहुत तरोताज़ा और रिफ्रेश कर देता है। इसलिए नारियल पानी हमें ज़रूर पीना चाहिए। गर्मियों में तो ज़रूर पिए और डॉक्टर भी इसकी सलाह देते हैं, तो नारियल पानी हमें ज़रूर पीना चाहिए। दोस्तों ये जो चीज़ें थी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है अंदर से शरीर को साफ करने के लिए। अब अंदर से शरीर साफ होने के बाद होता यह है, हमारे जो ऑर्गन्स हैं वो और स्ट्रांग होते हैं, हमारे अंदर चुस्ती होती है, फुर्ती होती है और हम एकदम एनर्जेटिक महसूस करते हैं और फ्रेश महसूस करते हैं। इसलिए अंदर से शरीर साफ होना बहुत ज़रूरी है। बहुत से लोग ये सोचते हैं, इनको बहुत गलत फहमी होती है कि हम एक बार फ्रेश हो जाते हैं या टॉयलेट कर लेते हैं तो हमारा शरीर साफ है। ऐसा कुछ नहीं है। शरीर जितना साफ होगा, आंतें जितनी साफ होंगी, उतने ऑर्गन्स मजबूत होंगे, उतनी अच्छी तरीके से हमारे शरीर में एक्टिविटी होगी और उन एक्टिविटी की वजह से हम एक ऊर्जावान, फुर्तीले और एक स्मार्ट पर्सन के रूप में बाहर आते हैं निकल के। तो दोस्तों हमें बहुत ज़रूर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि एक हमारी अंदर की खूबसूरती और एक बाहर की खूबसूरती, दोनों खूबसूरती बहुत ज़रूरी है रियल पर्सनैलिटी के लिए। तो स्वस्थ रहें, मस्त रहें और मैं यूँ ही आपके लिए हेल्थ पर बेस्ट से बेस्ट वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे कि मेरे सभी हेल्थ से रिलेटेड वीडियो आप तक पहुंच सके और आप अपने आप को स्वस्थ और एक मजबूत
व्यक्ति बना सके। थैंक यू, बाय।